जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम बाल शिक्षण में। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जैन धर्म के बारे में जागरूक करवाते हैं और इस बार मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेकर आई हूँ आप सभी बच्चों के लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं जिन प्रार्थना से। चल चल मंजू, मंदिर जी में जाएंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। मंदिर जी में जाएंगे, प्रभु को चावल चढ़ाएंगे, जिनेंद्र के गुण गाएंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। मंदिर जी में जाएंगे, श्री जी को परिक्रमा लगाएंगे, जिनेंद्र की मूर्ति देखेंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। मंदिर जी में जाएंगे, सत्य का व्रत धारेंगे, जिनेंद्र के जाप करेंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। मंदिर जी में जाएंगे, भाल पर तिलक लगाएंगे, सिर पर कंधों धक रखेंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। मंदिर जी में जाएंगे, पापों से छुटकारा पाएंगे, पुण्य से दोस्ती करेंगे, प्रभु जी के दर्शन करेंगे। बच्चों, जिन प्रार्थना तो कर ली, आओ अब मैं आपको बड़ी ही रोचक कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, अब मैं आप बच्चों को सुनाने जा रही हूँ एक मेंढक की कहानी, जिसके मन में भगवान महावीर स्वामी के प्रति बड़े ही भक्ति भाव थे। तो आइए सुनाते हैं आपको मेंढक की भक्ति की कहानी। एक दिन की बात है, राजगृह नगरी के बाहर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर जी का समर्प शरण आया था। भगवान के दर्शन के बहुत सारे लोग जा रहे थे। उस नगरी का राजा श्रेणिक भी अपने परिवार के साथ भगवान महावीर जी के दर्शन के लिए निकला था। राजा श्रेणिक हाथी पर बैठा था। इसी नगर में एक प्याऊ के पास एक मेंढक रहता था। उसने सभी नगरवासियों को राजा के साथ प्रभु महावीर जी के दर्शन को जाते हुए देखा। उसके मन में भी भगवान महावीर जी के दर्शन करने के भाव उमड़ उठे। उस मेंढक ने बहुत भक्ति से एक कमल का फूल अपने मुख में रखा और वो मेंढक उसी रास्ते से अपनी चाल से चलने लगा। उसके मन में भगवान जी के दर्शन करने के भाव थे। प्रभु महावीर जी के दर्शन को अत्यंत भक्ति से जाते हुए उसके शरीर पर राजा श्रेणी के हाथी का पैर पड़ गया। उसी में उसके प्राण पखेरु पर लोग उड़ गए। मरते समय उसके भाव शुभ थे। उसको भगवान महावीर जी के दर्शन लेना था। उसी भावना के प्रभाव से मरकर वो मेंढक स्वर्ग लोक में देव हो गया। देव होते ही उसने अपने अभिज्ञान से जानकर फिर वो देव भगवान महावीर जी के दर्शनार्थ समक्ष शरण में आ गया। अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उसने प्रभु जी का दर्शन किया। देखो, भक्ति करने का फल सदा अच्छा ही मिलता है। तो बच्चों, देखा आपने कितनी ही अत्यंत श्रद्धा से उस मेंढक ने महावीर भगवान के दर्शन किए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का फल हमेशा ही अच्छा होता है। आइए इसी के साथ भक्ति में लीन चलते हैं और शामिल होते हैं महावीर स्वामी की इस आरती में।
स्वामी जय महावीर प्रभो कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशिलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो तो बच्चों, इस महावीर स्वामी की आरती को रोज सुबह उठकर आपको करनी है एवं शाम को भी करनी है। अब मेरा आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चला है। आप सभी बच्चों को भगवान की प्रार्थना करते रहना है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। बाय बाय।